फूडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मोदी गाय। सो आज के इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ ग्रैंड द हॉरर गेम फिर से इन इजी प्लस नाइटमेयर मोड, एंड आज मैं इसका डोर स्किप करने का ट्राई करूँगा। सो विदाउट ए वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो मेरा जो डे वन है वो हो गया है, एंड यहाँ पे डे वन लिख कर आ चुका है टेक्स्ट में। ये बहुत ही डेंजरस है। सो ग्रैनी का कमरा पूरा लाल लाल। सो मैं आ चुका हूँ इसके डरावने कमरे में। सो यहाँ पे ड्रॉर खोलते ही कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। आई हैव टू लीव दिस हाउस बस लिखा हुआ है। वैसे मैं ये फ्लावर पॉट उठा लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे कार बैटरी है जो कि मैं उठाऊंगा नहीं, क्योंकि कार एस्केप मुझे करना नहीं है। सो यहाँ पे शायद से कटिंग प्लायर मिले। ओके, सो यहाँ पे कटिंग प्लायर्स है। आवाज़ हो गई है तो बुढ़िया का आना तो नॉर्मल सी बात है। सो मैं नीचे भागता हूँ क्योंकि हमारी बुढ़िया प्यारी बहुत ही दुष्ट औरत है। वैसे वहाँ तो शॉटगन का पार्ट होगा शायद से। सो यहाँ इस गेट को खोलते हुए मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ आवाज़ कर देता हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड द रूम। सो ये है वो वायर का जो भी है वायर। सो एक और वायर है जो कि यहाँ पे है, इसको भी कटना होगा। सो ये भी कट चुका है। एंड अब यहाँ क्या है, मीट नहीं ज़रूरत है क्योंकि स्पाइडर के पास डेफिनेटली रेंच होगा। यहाँ पे शॉटगन का पार्ट है, नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, तो बुढ़िया ने मुझे टक्का दिया, लॉल। सो डे टू मेरा स्टार्ट हो गया है बहुत ही जल्दी। मैं पता नहीं वो पावरी हो रही है वाली लड़की की तरह क्यों बोल रहा हूँ। सो मेरा डे टू स्टार्ट हो गया है, एंड अब मैं फिर से उसी खूनी कमरे में उठ चुका हूँ। एंड अब मुझे फिर से कुछ चीज़ें ढूंढनी होगी। वैसे अभी मैं उस कटिंग प्लायर या वायर कटर जो भी उसका नाम है उसको मैं नहीं उठाऊंगा। सो मैं इधर से चला जाता हूँ। ड्रॉअर में तो पक्का स्पार्क प्लग होगा। ओके, सो यहाँ पे शॉटगन का पार्ट है जैसा कि मैंने कहा था। सो यहाँ क्या है, सो खूनी टेडी बेयर जो कि मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे है स्पार्क प्लग, इधर क्या है, कुछ नहीं। ओके, सो मुझे उधर जाना चाहिए। तो यहाँ जाना होगा जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सो मैं यहाँ आ चुका हूँ। एंड या अब मुझे इसको रखना होगा जल्दी से। वैसे यहाँ क्या है, कुछ नहीं। ओके, सुबह ने एक पार्ट लगा दिया, एक पार्ट तो यहीं पे है। सो अब मुझे और पार्ट्स चाहिए शॉटगन की। सो मैं इधर आ चुका हूँ, एंड इधर मुझे मिला है मेलन। यहाँ से मुझे मिलेगी प्ले हाउस की की। क्या है, प्ले हाउस की है यहाँ। ओके, सो इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। ग्रैनी को आने देते हैं। 2 million years later तो ग्रैनी हमारी अब भी नहीं आई है।
एंड 100 साल बीत चुके हैं, फाइनली ग्रहणी आ चुकी है उधर, एंड मैं इधर से इसी को चकमा देते हुए भाग रहा हूँ। यहाँ पे पीस ऑफ पेंटिंग है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। सो यहाँ क्या है स्पेशल की? सो यहाँ पे शॉटगन का एक पार्ट है। सो फिर से ग्रैनी ने मुझे टपका ही दिया। सो पता नहीं अभी मेरा नेक्स्ट डे आ चुका है जल्दी से, मैं क्या बकवास करते रहता हूँ। मैं बिल्कुल ही डूब की तरह खेल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं उठ चुका हूँ एंड अब मुझे और भी चीज़ें चाहिए। सो मुझे अब चीज़ें उठानी होगी जल्दी से। सो यहाँ पे शॉटगन का एक पार्ट है जिसको मैंने उठा लिया है एंड जल्दी से जल्दी इसको लगाना होगा मुझे। एक सेकेंड। सो 3 मिलियन ईयर्स के बाद मैं आ चुका हूँ एंड मैंने शॉटगन के इस पार्ट को लगा दिया एंड या अब मैं जा रहा हूँ ग्रैनी बुढ़िया को बुलाने। 3 मिलियन ईयर्स के बाद मुझे बुढ़िया के दर्शन हो गए एंड मैंने बुढ़िया को ऊपर भेज दिया। तो गाइज मैं अब शॉटगन में एमो फिल कर लेता हूँ एंड या अभी मैं ऊपर जाऊँगा एंड ये बुढ़िया निकल लेगी, है ना? है, अब बुढ़िया निकल रही है। सो ये एक मेरा फ्रेंड भाई टाइप है, बहुत ही छोटा है ये। तुम 6 ईयर्स के हो? हाँ ये 6 ईयर्स का है। ओके सो अब मैं जल्दी से इस स्क्रू ड्राइवर को गिरा देता हूँ एंड बाकी अब मुझे एमो लेना होगा। अरे यार, तो बस अब मैं जल्दी से ऊपर जा रहा हूँ। कैसे? अरे अभी चुप हो जा, अभी ज्यादा बकवास मत कर। वीडियो में आ गया। हाय, मैं ऑगी हूँ और ये मेरा दोस्त जैक। सो कुछ पागल लोग मेरी वीडियोस में आ गए हैं। तो वो पागल लोग अभी भी मेरे कमरे में हैं, पर क्या कर सकते। तेरा कमरा तो नहीं ना है। मेरा है। इतनी गुस्ताखी निकल पहली फुर्सत में। मेरे कमरे में आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बोलेगा? सो गाइस सच में ये लोग पागल हो गए हैं। सो या अब मैं नीचे आ चुका हूँ एंड अब मैं शॉटगन का यूज करूंगा जल्दी से एम करके। ओके सो मेरा निशाना लग चुका है, गेट खुल गया एंड या अब मुझे फ्री स्ट्रैप उठाना चाहिए शायद। ओके सो मैंने फ्री स्ट्रैप उठा लिया है एंड अब मैं इसको रख देता हूँ ऊपर इस तरह से। सो या मैंने फ्री स्ट्रैप को उधर रख लिया एंड अब मैं वेट करता हूँ ग्रैनी के आने का। सो ग्रैनी आ चुकी है एंड ये मर गए। ओके सो अब मुझे वेंच हैंडल ले आना चाहिए। सो ये है हमारा वेंच हैंडल एंड कुछ पागल लोग खूब पगला रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उन पर ध्यान ना देते हुए आप ग्रैनी पर ध्यान दें। सो हम देख सकते हैं वो लोग मस्त पूरा हंस रहे हैं। वैसे आप देख तो नहीं सकते होंगे, आप लोग क्या ही कर सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं। तो अब जल्दी से इस वेल में से निकालते हैं कुछ भी। सो वेल में से हमारा हैमर निकला है। तो अब जल्दी से मुझे ऊपर जाना चाहिए। तो अब कुछ बोल। सो कुछ लोग सच में पागल हो रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए। बार बार पागल मत बोल, वीडियो का इंप्रेशन खराब होगा। और दावे 300 भी नहीं है ना, 200 288 होगा ना, 10 पे आ जाएगा। गाइज आप देख सकते हैं इस बंदे ने मुझे चैलेंज कर दिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और बताओ तुम्हारा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो गाइज अब मैंने प्लैंक रख दिया है एंड अब मैं जा रहा हूँ अंदर। सो अब मुझे जल्दी से जल्दी कॉकवील मिल चुका है, मैं इसको जल्दी से फेंक दूंगा। तो जल्दी से इसको फेंकने के लिए मैं उधर जा रहा हूँ एंड या
यहाँ से हैमर मैं ले जाता हूँ उधर जल्दी से। तो मैंने कैमरा को फोड़ दिया है बिल्कुल जैक की तरह, जो बोलता है तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, नींबू का दाना निचोड़ दूंगा। सो मैं मारा जा चुका हूँ एंड मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। सो डे 4 आ चुका है एंड अब मुझे इस डे में एस्केप करना है चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैं उठ चुका हूँ एंड मुझे कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा चाहिए, कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा, वाओ नाइस। सो या कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ इस रूम में एंड इधर मैं जा रहा हूँ एंड आप उन प्राणियों की आवाज़ अभी भी सुन पा रहे होंगे जो कि पगला रहे हैं, तभी से सठिया रहे हैं, उन्हें सदमा लगा है बहुत गहरा। सो वो प्राणी तो चले गए एंड अभी मेरे पास शॉटगन है एंड अब मैं इसको गिराता हूँ। तो अब जल्दी से मुझे शॉटगन पटकना था बट मैंने उसको पटक दिया एंड ग्रैनी मर चुकी है। सो या एंड उसका कटा सिर, सो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ना पड़ेगा फ्रीज ट्रैप को, मैं फिर से कहीं पे रख देता हूँ। चलो मैं ऊपर रख देता हूँ जल्दी से। मैंने फ्रीज ट्रैप को यहाँ पे रख दिया है एंड अब मैं जाता हूँ यहाँ से। सोया अभी मैं प्लैंक्स निकालता हूँ सारे, दोनों मतलब नेल्स एंड अब स्क्रू ड्राइवर का यूज। सो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ एंड मैंने पैडलॉक की मतलब मिल चुकी है मुझे। तो अब मैं इधर जाता हूँ जल्दी से एंड बाय द वे आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। सो इसको खोल लेते हैं एंड यप, अब मुझे बस एक मास्टर की चाहिए। तो मैं आ गया हूँ कॉगविल लेके, मैंने एक कॉगविल यहाँ लगा दी एंड यप, अब मैं दूसरी कॉगविल ले आता हूँ। सो मैंने अवन से कॉगविल ले आया एंड ग्रैनी फ्रीज ट्रैप पे चढ़ने की वजह से बच गई है एंड यहाँ से मुझे वेपन की मिली है जिसको मैं फेंक नहीं दूंगा, मैं इसे ट्रैंक्यूलाइजर डार्ट खाऊंगा। सो मैंने फ्रीज ट्रैप को फिर से प्लेस कर दिया एंड मैंने वेपन बॉक्स खोल दिया एंड वेपन मिल चुका है मुझे। सो अब मुझे जल्दी से जाना चाहिए इधर। सो बस एक मास्टर की ही तो चाहिए थी। सो बुढ़िया हमारी आती होगी, बुढ़िया की किस्मत इतनी अच्छी कि वो फ्रीज ट्रैप पर नहीं चढ़ी, बट कोई बात नहीं, मेरे पास दांत था मैंने उससे उसको मार दिया एंड बस ये 2 मिनट के लिए मरेगी, वाह। ओके सो मैंने ट्रैंक्यूलाइजर को वहीं फेंक दिया एंड मैं इस कटिंग प्लायर को लेके ऊपर आ चुका हूँ। ठीक से जानना होगा, मैं यहाँ पे बहुत बार मर जाता हूँ। सो मैंने हैमर से तो कैमरा फोड़ ही दिया था, निप्स को काट के सेफ की ले लेता हूँ, वायर काट चुका एंड अब मैं सेफ की ले जाता हूँ सेफ बॉक्स के पास। सो मैं सेफ बॉक्स के पास आ चुका हूँ। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कटिंग की है वीडियो की। सो अब मुझे मास्टर की मिल जाएगा। सो मुझे मास्टर की मिल चुका है एंड बस अब एस्केप हो जाएगा 4th डे पे। ग्रैनी मेरे पीछे पड़ रही है। ओके सो मुझे इधर से जाना होगा। सो इसी के साथ मैंने ग्रैनी 1 का डोर स्केप किया नाइट बेयर प्लस इजी मोड में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वैसे आज का शाउट आउट जाता है हरी श्रीज एंड माइनक्राफ्ट यूट्यूबर 123 इंडिया को। तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, फुल हैप्पी नवरात्रि एंड आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।